नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड, लॉकडाउन में भी नहीं थमे बलात्कार के मामले, हरिद्वार की बेटी की मौत पर गम और गुस्सा। किसान आंदोलन, मजदूर किसान संगठनों ने सिंगू बॉर्डर पर लगाए मेडिकल कैंप्स। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 20,021 नए मामले, 279 मरीजों की मौत। 20 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। दोपहर के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई। काफी तलाश के बाद माँ बाप को जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर की। सीसीटीवी कैमरे खंगालने, पड़ोसियों से बातचीत के बाद पुलिस को पड़ोस के ही घर में उसका शव मिला। दिल दहलाने वाली इस वारदात ने एक बार फिर लोगों को झकझोर दिया है। विधानसभा से लेकर सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और महिलाओं की सुरक्षा की मांग जारी है। महिला सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हरिद्वार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मन्नू शिवपुरी का कहना है कि एक अभिभावक के तौर पर हम डरे हुए हैं। कहीं बच्चियों को खेलने नहीं भेज सकते, कहीं बच्चियों को पढ़ने नहीं भेज सकते। इंस्टीट्यूट में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चों की सुरक्षा पर तो बहुत बड़ा सवाल है। हरिद्वार पुलिस ने बताया कि खिलौनों से खेलने के बहाने दरिंदों ने बच्ची को घर पर बुलाया था। उसके शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद दो लोगों के खिलाफ बलात्कार, हत्या और अपहरण का केस दर्ज किया गया है। 23 दिसंबर को रेप और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और घटना में फरार चल रहे सह अभियुक्त कपड़ा व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर राजीव की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड पुलिस ने 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार से बातचीत को हमेशा तैयार थे, लेकिन सरकार ठोस प्रस्ताव ना देकर इधर उधर की बातें करती रही, जिससे बातचीत में गतिरोध बन गया। सिंगू बॉर्डर पर शनिवार शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि आज 28 दिसंबर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तमाम किसान संगठनों को चिट्ठी लिखते हुए उनसे 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री स्तरीय मीटिंग करने का प्रस्ताव सामने रखा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में जहां लंगर की धूम है, वहीं तमाम संस्थाएं निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगा रही है। C2 और एक्टू जैसे मजदूर संगठन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब आम मजदूर कामगारों के सहयोग और चंदे से चल रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर हमने ऐसे ही एक मेडिकल कैंप का जायजा लिया और बात की, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमें आज सिंगू बॉर्डर पर यहाँ पर किसान आंदोलन में एक्टिव की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है। ये मेडिकल कैंप है जहाँ जरूरतमंदों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमारे साथ हैं एक्टिव के अभिषेक, उनसे पूछते हैं कि उनका ये पूरा अनुभव कैसा रहा। हम 26 तारीख को जो सिंगू बॉर्डर की हड़ताल थी, रात में पानीपत से किसानों के साथ आ रहे जी, और 27 को हम लोग किसानों के साथ ही सिंगू बॉर्डर पहुंचे। 29 तारीख से हमने मेडिकल कैंप डालने का फैसला लिया और ये कैंप चलाते हुए लगभग 1 महीना हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। मतलब आप 27 को चल पड़े थे, आज 27 ही है और 29 को 1 महीना आपका पूरा कैंप हो जी। तो ये जो पूरा सीन आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, इससे कितनी ऊर्जा आपको और इस आंदोलन को देखकर लग रहा है कि क्या सरकार सुनेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पिछले 6-7 साल से लगातार हम देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरह की सरकार आई है, जिसका कि किसी भी जन आंदोलन को लेकर के एक ही रवैया होता है कि आप बुलडोज कर रहे हैं, आप एक आयरन फिस्ट यूज करें और उसको दबा दें, कुचल दें, एक पूरा प्रचार तंत्र लगा दें, उसको पहले आप बदनाम करें, गलत तरीके से दिखाएं और सब कुचल किस भी तरीके से। हम देख रहे हैं तमाम साहित्यकार, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स जेल में हैं। सरकार ने जिस तरह से फ्रेम किया है आंदोलन को लीड करने के लिए, ये आंदोलन इन तमाम रुकावटों को डिफाई करते हैं और ज़बरदस्त एकता के साथ, ज़बरदस्त ताकत के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर टिका हुआ है और किसान दृढ़ संकल्प है कि भाई आप पहले बिल वापस के फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं। अगर ये किसान ये कृषि बिल आते हैं तो जो खाद्य सुरक्षा का सवाल है उस पर भी असर होगा और देश के तो जाहिर सी बात है पिछले 6-7 साल से जिस तरीके का सरकार हम देख रहे हैं और
उसके खिलाफ जिस तरह का ये आंदोलन चल रहा है, ये जनता के सवालों पर जो ये आंदोलन है, जो किसानों के सवालों पर आंदोलन है, जाहिर सी बात है अगर हम कहूँ तो ये काफी कम्फर्टिंग है, काफी इंकरेजिंग हमारे लिए। और ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी एक तरीके से मान लीजिए जो देश के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन है या तमाम अन्य आंदोलन है, उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत है एक तरीके से। किस तरीके से आप सरकार के खिलाफ एक जनता को गोलबंद करके और शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ पर देश के लिए। जी हाँ, देश के लिए जो पूरा आंदोलन इस तरह से चल रहा है, अब मुद्दा किसान आंदोलन से आगे देश को बचाने का मुद्दा बनता जा रहा है, इसमें और सारी चीजें भी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से इतनी ठंड है, जैसे अभी तो दोपहर का समय है, धूप है, शाम को ठंड अचानक पड़ जाती है, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह मुकाबला कर रहे हैं सब लोग इस सब का? देखिए, हम सबको पता है, काफ़ी इसके ऊपर बातचीत भी आ चुकी है मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, कि भाई किसान जब पंजाब से चले तो उन्होंने अपने साथ अपनी रसद खुद लेकर के उसका बंदोबस्त करके वो लोग चले। यहाँ भी जब किसान डटे हुए हैं तो जो भी उनकी तैयारी है, आप देखिएगा ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं, उसके अंदर किसान सो रहे हैं, जो भी कम्बल रजाई है उसके अलावे, लेकिन जो आम जनता हरियाणा से काफ़ी किसानों को लॉजिस्टिक्स होता है प्रोवाइड करा रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो कम्बल और ज़रूरी दवाइयाँ, जैसे हमारा कैंप लगा एक लौता कैंप ने, कई सारे मेडिकल कैंप जो है सो ट्रेड यूनियन संगठन, छात्र संगठन और जी, हम लगातार देखते आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं मेडिकल कैंप। तो इस तरीके से ही किसान एक तरीके से कह लीजिए एक तो अपने मुद्दे पे जो तैयारी करके आ रहे हैं, उसके अलावा जो तमाम समर्थन उनको देश की जनता से मिल रहा है, अलग अलग वर्गों से मिल रहा है, उसके ही ताकत पे खड़े हैं। और चूंकि उससे ही बड़ी बात कि आंदोलन का जो स्पिरिट, ये देश बचाने की लड़ाई है, जनता के अधिकारों की लड़ाई है, जनता को बचाने की लड़ाई है, तो ये जो स्पिरिट है एक तरीके से इस आंदोलन को भी खींच रहा है और किसानों को भी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 28 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,021 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज 279 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 21,131 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 1,389 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,07,871 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,47,901 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,07,871 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,47,901 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट बढ़कर 95.83% हो गया है, यानी अब तक 97,82,669 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2.71% यानी 277,301 हो गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।